जो है मैंने लिया बॉटैनिकल गार्डन, बॉटैनिकल गार्डन। दूसरा टैक्सोनॉमिकल ऐड यहां पर लिया बॉटैनिकल गार्डन। दो टाइप का कंजर्वेशन मेथड होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसके नेचुरल एनवायरमेंट में कंजर्व कर रहे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरमेंट से हमने बाहर निकाला, मैन मेड एनवायरमेंट में रखा, ये मैन मेड एनवायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एनवायरमेंट के जैसा ही रहेगा, तो हम अवे फ्रॉम नेचुरल एनवायरमेंट मैन मेड एनवायरमेंट में कंजर्व करेंगे, तो एक्स सी टू आर्टिफिशियल कंजर्वेशन हो जाएगा। सो बॉटेनिकल गार्डन इट रिप्रेजेंट्स एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ growing in different areas को हम जो है बॉटेनिकल गार्डन में कंजर्व करेंगे। एक्स सी टू कंजर्वेशन याद रखिएगा प्लीज, एक्स सी टू कंजर्वेशन इन मैन मेड एनवायरमेंट, मैन मेड एनवायरमेंट। ठीक है, एक्स सी टू कंजर्वेशन मैन मेड एनवायरमेंट में हम कंजर्व करेंगे। जो है प्लांट किसी दूसरे नेचुरल एरिया में ग्रो हो रहा है, वहां से मैंने प्लांट को लाया जो है बॉटेनिकल गार्डन, जो कि एक एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड है, और हम बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट को जो है कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर लिविंग प्लांट्स आर स्टोर्ड या कंजर्व्ड, आर कंजर्व। दस बॉटेनिकल गार्डन, दस बॉटेनिकल गार्डन ऑल्सो कॉल्ड लिविंग हर्बेरियम। हम प्लांट के जो है प्लांट के या तो स्टेम में मोटा स्टेम है या प्लांट के बाजू में टैगिंग करेंगे, जिसमें हम जीनस स्पीसीज फैमिली और कॉमन नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, टैग इज गिवन विथ रेफरेंस टू कॉमन नेम विथ रेफरेंस टू साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। ठीक है, दैट हेल्प इन क्लासिफिकेशन, नोइंग द करेक्टर, एक्सप्लाइटेशन, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प हो जाएगा। बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में एक बॉटेनिकल गार्डन है, हावड़ा में एक बॉटेनिकल गार्डन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो मेंशन है एग्जांपल देख लीजिएगा, बात आगे बढ़ा रहे हैं। बॉटेनिकल गार्डन से रिलेटेड इतना ही, ले चलते हैं आगे स्टोरी। नेक्स्ट जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स मेंशन कर रहा हूं, जूलॉजिकल पार्क कुछ और नहीं, जिसको हम चिड़ियाघर या जू बोलते हैं वही है। सो अगेन इट रिप्रेजेंट एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ लिविंग एनिमल। ठीक है, एक्स सी टू कंजर्वेशन ऑफ लिविंग एनिमल्स इन ह्यूमन प्रोटेक्शन। ठीक है, जिस एरिया में हम एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं वो नेचुरल एनवायरमेंट के जैसा ही बनाया जाएगा। एक्स-सी-टू एरिया में हम एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, तो जो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में हम एनिमल को कंजर्व कर रहे हैं, जिस एनिमल को, उस एनिमल के लिए हमें नेचुरल एनवायरमेंट जैसा ही माहौल क्रिएट करना होगा। सो जो है इन जू नेचुरल
इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर एनिमल। तो सुनिएगा, ह्यूमन के केयर में मैन मेड इन्वायरमेंट में, वो मैन मेड इन्वायरमेंट जो नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा ही होगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स को हमने बोला जो है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में हम दो चीजें स्टडी कर सकते हैं एनिमल्स को लेके, एक फूड हैबिट और दूसरा बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इन जूज फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कैन बी स्टडीड। क्रूगर पार्क है साउथ अफ्रीका में, जो सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क रिप्रेजेंट होता है, KRUGER, क्रूगर जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, और न्यू जो है दिल्ली में जो है सबसे बड़ा एशिया का जूलॉजिकल पार्क है इन द दिल्ली। ठीक है, सो ये था जूलॉजिकल पार्क से बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर ले रहा हूं फोर्थ टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है म्यूजियम। ये जो है इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी, कॉलेजों वगैरह में, जैसे अगर आप अपने कॉलेज या स्कूल के जो है हायर जो है क्लासेस में जो जूलॉजी का लैब होता है, जूलॉजी के लैब में जाइए तो वहां पर म्यूजियम आपको मिल जाएगा। अलग अलग इंस्टीट्यूट भी म्यूजियम के जैसे वर्क करते हैं। सो म्यूजियम, थोड़ा सुनिएगा, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टोर्स, या म्यूजियम इट स्टोर्स, ध्यान से देखिएगा, इट स्टोर्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर प्रिजर्व्ड इन ग्लास जार। ठीक है, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन लाइक अल्कोहल एंड फॉर्मेलिन। जूलॉजी के लैब में आपको बहुत सारे जो है डेड प्लांट और एनिमल्स का ग्लास जार में कलेक्शन मिल जाएगा, दैट रिप्रेजेंट म्यूजियम, पॉइंट समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड बाई किलिंग प्रेसिंग, या सीधा किलिंग एंड पिनिंग इन इंसेक्ट बॉक्स। सो इंसेक्ट को मारिए, इंसेक्ट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिए। पिन करने का सीधा सा मतलब है उसके सारे जो है जो ज्वाइंटेड लेग्स वगैरह हैं, जो है उसके अलग अलग थोरेक्स एब्डोमेंस, इन सब में जो है सेगमेंट्स हैं, ये क्लियरली विजिबल हो। आई नीड योर अटेंशन, स्मॉल एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड स्टिच्ड। ठीक है, तो स्मॉल एनिमल्स लाइक ले सकते हैं रैबिट या मोंगूज, नेवला ले सकते हैं, जो भी है छोटे एनिमल्स, इनको जो कट करिए, ऑल द इंटरनल बॉडी ऑर्गन को बाहर निकालिए, देन हम इसमें कॉटन स्टफिंग का मतलब जो शेप को मेंटेन करे, तो कॉटन फिल कर देंगे जो है एट द प्लेस ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन, देन हम इसको स्टिच कर देंगे। स्मॉल एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड स्टिच्ड। सुनिएगा, large animals collected in the form of their skeleton
बात हो रही है एलिफेंट्स की, बात हो रही है ब्लू व्हेल की, तो अब एलिफेंट में हम जो है कॉटन या जो है कॉटन तो फिल करते नहीं रहेंगे, ऐसा है कि एलिफेंट को जो है हमने कट किया, इंटरनल बॉडी ऑर्गन को बाहर निकाला, फिर उसमें हम कॉटन भरे जा रहे हैं, लार्ज एनिमल है, ऐसा नहीं कि हमने जो है ब्लू व्हेल को कट किया और उसके अंदर कॉटन जो है स्टफ कर रहे हैं टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, नहीं, लार्ज एनिमल को हम जो है म्यूजियम में स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर स्केलेटन। म्यूजियम हर्बेरियम से सुपेरियर है क्योंकि म्यूजियम में हम फ्रूट सीड कोन्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, एल्गी वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। सो यहां पर मेंशन कर देते हैं इन म्यूजियम फ्रूट्स सीड्स कोन्स, कोन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो जिम्नोस्पर्म में आपको समझेगा, मेल कोन फीमेल कोन ऐसा आएगा एक्सेट्रा, कैन ऑल्सो स्टोर्ड, जो कि हर्बेरियम सीट पर स्टोर नहीं हो सकता। हर्बेरियम सीट पर हम स्मॉल ट्विग को माउंट और स्टिच कर सकते हैं, लीफ को माउंट और स्टिच कर सकते हैं, हर्ब्स को माउंट और स्टिच कर सकते हैं, फ्लावर या फ्लोरल पार्ट्स को माउंट और स्टिच कर सकते हैं। हम हर्बेरियम सीट पर सीड फ्रूट्स एक्सेट्रा को नहीं स्टोर कर सकते जो म्यूजियम सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है NMNH, ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये जो है दिल्ली में है, NMNH नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक एग्जाम्पल हो गया म्यूजियम का। तो म्यूजियम प्लांट और एनिमल दोनों के कंजर्वेशन में सपोर्ट करेगा। बात क्लियर हुआ, इरेज़ करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा नेक्स्ट देखिएगा, कीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, टैक्सोनॉमिकल एड कीज इट इज अ टैक्सोनॉमिकल एड दैट इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो कीज इट इज यूज्ड इन, ये कोई ऑर्गेनिज्म के कलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, इट इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन, इट इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सुनिएगा, कीज इट इज एनालिटिकल इन नेचर, इट इज एनालिटिकल इन नेचर। कीज को समझाने के लिए अलग अलग जो है फैकल्टी या टीचर अलग अलग मेथड यूज करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में समझाते हैं, मेरा एक अपना अलग लैंग्वेज रहेगा तो कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। तो सुनिएगा, कीज में क्या होगा, जिस अननोन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रैंक में हमें अलग अलग कैटेगरी में हमें जो है क्लासिफाई करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कीज में टू अपोजिट करेक्टर्स आर टेकन कॉल्ड कपलेट। नाउ द टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स आर अप्लाइड ओवर द ऑर्गेनिज्म, द करेक्टर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म विल बी एक्सेप्टेड, द करेक्टर नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म विल बी रिजेक्टेड। ऐसे करते करते हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कपलेट हम यूज करते जाएंगे और हमें ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में आसानी होगी। देखते हैं कैसे, हियर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स are taken, a pair of contrasting is taken called couplet। प्रश्न ये, इस करेक्टर
इज करेक्टर नोन एज लीड, इज करेक्टर नोन एज लीड। द करेक्टर कपलेट में द करेक्टर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, द करेक्टर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड एंड करेक्टर एब्सेंट इन ऑर्गेनिज्म, एब्सेंट इन ऑर्गेनिज्म इज रिजेक्टेड, ठीक है, इज रिजेक्टेड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच कैटेगरी, फॉर ईच कैटेगरी देयर इज सेपरेट कपलेट, देयर इज सेपरेट कपलेट। मैं इसको अपनी तरीके से समझा रहा हूं, कहीं और किसी फैकल्टी के लैंग्वेज में इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग हो सकती है। मैं केस को समझा रहा हूं अलग तरीके से, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरीका है समझाने का जिसमें मैंने एग्जांपल लिया, अननोन ऑर्गेनिज्म एक्स है, इसको हमें अननोन ऑर्गेनिज्म एक्स है इसका हमें नाम पता करना है, जीनस और स्पीसीज पता करना है, और ये अननोन ऑर्गेनिज्म एक्स जीनस और स्पीसीज जिसका हमने पता कर लिया कौन सी फैमिली क्लास ऑर्डर एक्सेट्रा को बिलोंग करता है, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहां पर सबसे पहले मैं किंगडम लेवल की बात करूं, तो किंगडम लेवल पर हमने एक कपलेट लिया और वो कपलेट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो किंगडम होगा प्लांटेड, और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा तो किंगडम होगा एनिमेलिया। मैंने किंगडम लेवल में क्लासिफाई करने के लिए कपलेट लिया, दो अपोजिट कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया। अब इस कपलेट को मैं एक्स ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई करूंगा और मुझे पता चला एक्स ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्टेड हुआ, और ये जो है अननोन ऑर्गेनिज्म एक्स में एब्सेंट था तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं डिवीजन लेवल पर, डिवीजन लेवल पर ध्यान दीजिएगा, अननोन ऑर्गेनिज्म एक्स पर हमने एक कपलेट अप्लाई किया, सीड्स प्रेजेंट है या सीड्स एब्सेंट है। सीड्स प्रेजेंट होगा तो जो है अननोन ऑर्गेनिज्म एक्स एंजियोस्पर्म को बिलोंग करेगा, और एब्सेंट होगा तो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करेगा। पता चला जो है सीड प्रेजेंट है अननोन ऑर्गेनिज्म एक्स पर, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया और ये जो है रिजेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, डिवीजन के बाद हम क्लास पर आए, क्लास के लिए हमने जो है एक कपलेट लिया, तो जो है यहां पर कपलेट लिया रेटिकुलेट वेनेशन, वेनेशन इन लीफ या पैरेलल वेनेशन इन लीफ, पैरेलल वेनेशन इन लीफ, टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट ऐसे भी ले सकते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो डाइकॉट होगा, और पैरेलल वेनेशन होगा तो मोनोकॉट होगा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन होगा तो मोनोकॉट होगा। हमने अप्लाई किया, एक्स के पास रेटिकुलेट वेनेशन था तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, और ये जो है रिजेक्ट हो गया। फिर हम ऑर्डर लेवल पर आए, ऑर्डर लेवल पर आए, ऑर्डर लेवल पर हमने मेंशन किया यहां पर जो है ऑर्डर लेवल पर हम करेक्टर ले सकते हैं, यहां पर एक सिंपल करेक्टर ले रहा हूं, पॉलीपेटाइलस है या गैमोपेटाइलस है, पॉलीपेटाइलस है या गैमोपेटाइलस है, पेटल्स फ्री है या पेटल्स फ्यूज्ड है, पेटल्स फ्री है तो जो है फेबेल्स ऑर्डर में आएगा, और फ्री है तो जो है पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में आएगा। पेटल्स फ्री था तो हमने जो है ये एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्टेड हुआ और ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं,
ठीक है। सो ऐसे करते हुए हम अगर जो है फाइनली जो है स्पीसीज लेवल पर आ जाएं, फाइनली स्पीसीज लेवल पर आ जाएं तो, या जीनस लेवल पर आ जाएं, ऐसा मान लेते हैं जीनस लेवल पर आ जाएं, और जीनस लेवल में हम मेंशन करें जो है फ्रीस्टमेंस, फ्रीस्टमेंस ठीक है, या 9+1 कंडीशन ऑफ स्टमेंस, 9+1 कंडीशन ऑफ स्टमेंस। फ्री स्टमेंस है तो जीनस माइमोसा होगा, टच मी नॉट, और अगर 9+1 कंडीशन है तो जीनस होगा पाइजम, पी का जीनस, ऐसे जो है एक्सेप्ट करते जाएंगे ठीक है। और कहीं कहीं पर जो है डायरेक्शन भी दिया जाता है, कीज के लिए जो है कुछ बुक्स भी बने हैं, कीज के लिए 3 यूनिट में बुक्स भी बने हैं। मैं बोल दे रहा हूं, मैं एक सिंपल आपको जो है समझाने पॉइंट ऑफ व्यू बताया हूं यहां पर, कि कीज अलग अलग जो है कैटेगरी के अलग अलग कपलेट के में यूज करते हैं, एक एक्सेप्ट और एवरेज, दोनों लीड कर रहे हैं हमें हमारे पाथवे की तरफ। कहीं कहीं पर जो है अगर प्रेजेंट है कोई पर्टिकुलर करेक्टर तो पॉइंट नंबर 4 पे जाइए, अगर एब्सेंट जो है एब्सेंट है तो पॉइंट नंबर 3 पे जाइए, ऐसा अलग अलग ठीक है। तो अगर कहीं अलग तरीके से भी केस की स्टोरी समझ में आ गई, वेल इन एडवांस, ये मेरा तरीका है ठीक है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सो यहां पर हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स इन टर्म्स ऑफ हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम और कीज कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो प्लांट से रिलेटेड है, तो हर्बेरियम आ जाएगा, बॉटेनिकल गार्डन आ जाएगा, म्यूजियम आ जाएगा, कीज आ जाएगा। कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जो केवल एनिमल से रिलेटेड है, केवल एनिमल से रिलेटेड है केवल, तो जूलॉजिकल पार्क आ जाएगा ठीक है। कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जो केवल प्लांट से रिलेटेड है, तो उसमें हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन आएगा। कौन सा ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जो प्लांट और एनिमल दोनों से रिलेटेड है, तो उसमें आ जाएगा म्यूजियम और कीज। समझेगा, इन जर्नल बात करें प्लांट से रिलेटेड टैक्सोनॉमिकल एड्स इन जर्नल, इन जर्नल, सो हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और कीज। केवल प्लांट से रिलेटेड तो हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन, इन जर्नल एनिमल से रिलेटेड तो जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम और कीज। केवल जो है एनिमल से रिलेटेड जो है जूलॉजिकल पार्क। कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड जो है एनिमल और प्लांट दोनों से रिलेटेड है, में आ जाएगा म्यूजियम और कीज। कौन से टैक्सोनॉमिकल एड है जो डेड प्लांट से रिलेटेड है, में आ जाएगा जो है हर्बेरियम और म्यूजियम। कौन सा टैक्सोनॉमिकल एड है जो लिविंग प्लांट से एसोसिएटेड है, आ जाएगा जो है जो बॉटेनिकल गार्डन। कौन सा ऐसा पॉइंट समझा, लिविंग एनिमल जूलॉजिकल पार्क, डेड एनिमल में आ जाएगा म्यूजियम। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉइंट समझा कहां कहां पर क्या है। और हम जो है जब लेबलिंग करते हैं, लेट इट बी जो है हर्बेरियम में लेबल, लेट इट बी जो है बॉटेनिकल गार्डन में लेबल, या जो है हम इवन जो है जूज में भी लेबल लेबलिंग करते हैं, हम केवल जीनस, स्पीसीज और फैमिली, तीन चीज का टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यूज करते हैं। आसान है, इसके ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा लेबलिंग करना। फैमिली पर लेबल इसलिए करते हैं क्योंकि फैमिली हमें प्लांट के रेफरेंस में बहुत सारे फ्लोरल करेक्टर्स का नॉलेज देता है ठीक है। फैमिली में आपने सुना है ना फ्लोरल फॉर्मूला होता है, सोलेनेसी, लिलियेसी और जो है फेबेसी फैमिली में फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, अगर हमने फैमिली रिप्रेजेंट कर दिया तो हमें फ्लावर के बहुत सारे करेक्टर समझ में आ जाएंगे। ऑर्डर, क्लास और डिवीजन या किंगडम विथ रेफरेंस टू प्लांट का लेबलिंग हर्बेरियम में नहीं होगा, क्योंकि जितना हायर द टैक्सा, हाई पॉइंट में बता दूं, हायर द कैटेगरी, आई नीड योर अटेंशन, हायर द कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन मार रहा हूं, लिख लीजिएगा या मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, हायर द कैटेगरी, हायर द कैटेगरी, ध्यान दीजिए, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट इज क्लासिफिकेशन, मोर डिफिकल्ट इज क्लासिफिकेशन।
हमें ऑर्गेनिज्म को, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोअर कैटेगरी में क्लासिफाई करना आसान होगा, क्योंकि लोअर कैटेगरी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, तो हमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एस्टैब्लिश करके ऑर्गेनिज्म को लोअर कैटेगरी में जो है प्लेस करना है स्पीसीज जीनस फैमिली लेवल पर आसान रहेगा, क्योंकि हमें कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करना होगा। लेकिन जितना हायर रैंक का कैटेगरी होगा, उस हायर रैंक के कैटेगरी में उतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, उतने ज्यादा ऑर्गेनिज्म के साथ हमें सिमिलैरिटीज एफिनिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एस्टैब्लिश करना होगा, डिफिकल्ट होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है। सो ये हायर द कैटेगरी मोर द ऑर्गेनिज्म, लोअर द कैटेगरी लेस द ऑर्गेनिज्म, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन किया था। एक और आज पॉइंट मेरे सामने आ गया, हायर द कैटेगरी, जितना हायर कैटेगरी में हमें ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी प्लेस करना है, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन रहेगा, क्योंकि जितना हायर कैटेगरी में हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना चाहेंगे न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को, उस न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को हायर कैटेगरी में ऑलरेडी प्रेजेंट मेनी मोर ऑर्गेनिज्म के करेक्टर के साथ एफिनिटीज एस्टैब्लिश करना होगा। ठीक है, आते हैं लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट है रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन को लेके, रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस को लेके। रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन में मैं बात करूंगा फ्लोरा का, मैं बात करूंगा मैनुअल का, मैं बात करूंगा मोनोग्राफ का, मैं बात करूंगा कैटलॉग का। कैटलॉग, ये रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस हैं, इनके बुक्स मिलेंगे, इनके जो फाइल्स मिलेंगे जो है डेटा के साथ। रिकॉर्डेड फ्लोरा, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स कलेक्शन जो है, इट रिप्रेजेंट्स जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडेक्स, इट रिप्रेजेंट्स, ध्यान दीजिएगा फ्लोरा, इट रिप्रेजेंट्स अ बुक हैविंग इंडेक्स ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा प्लांट्स के लैंग्वेज में, प्लांट्स, इंडेक्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो सुनिएगा, इसमें जो है इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स में नेम ऑफ द प्लांट रहेगा, हैबिटेट ऑफ द प्लांट रहेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट मेंशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली जो है जेके माहेश्वरी ने बनाया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ गुजरात, फ्लोरा ऑफ साउथ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फ्लोरा ये एक बुक है जिसमें कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन पर्टिकुलर एरिया और कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ प्लांट में प्लांट कौन से हैबिटेट में रहते हैं और किसी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर है। बात पकड़िएगा, जैसे ब्रॉड लेवल पर बात करें फ्लोरा ऑफ इंडिया, तो फ्लोरा ऑफ इंडिया में कितने टाइप के प्लांट्स हैं उनका कंप्लीट लिस्टिंग रहेगा, और वो प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, और जो है जीरोफाइट है, मेसोफाइट है, और जो है कहां कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं और इंडिया के कौन से एरिया में, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, उनका लोकेलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। तो इंडेक्स, नेम्स, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोरा को जाएगा। जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली, एक एग्जांपल लिया फ्लोरा ऑफ दिल्ली, इसको जो है जेके माहेश्वरी ने जो है बनाया था। तो ये हो गया जो है फ्लोरा के बारे में। नाउ मैनुअल, इट इंक्लूड्स इंडेक्स एज वेल एज जो है करेक्टराइजेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। पॉइंट समझिएगा। सो
फ्लोरा तो हमें केवल इंडेक्स, हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, मैनुअल सब कुछ बता देगा। मैनुअल इट इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आल्सो, इट इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आल्सो, इट इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन आल्सो। मैनुअल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मैनुअल ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, सो मैनुअल ऑफ जीरोफिटिक प्लांट में कंप्लीट इंडेक्स है और हर एक जीरोफिटिक प्लांट का कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन है, डिस्क्रिप्शन दिया है। तो मैनुअल जो है, मैनुअल में हमें हर एक प्लांट का डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टर्स पता चल गए तो हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी मैनुअल को यूज कर सकते हैं। मोनोग्राफ थोड़ा सुनिएगा, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ सिंगल टैक्सॉन ऑफ प्लांट। जैसे मैं बात करूं मैनुअल ऑफ जीनस ऑफ एविना प्लांट, ओट का प्लांट है। प्लांट का करेक्टर्स एक टैक्सॉन के लैंग्वेज में हमें स्टडी करना है। ये प्लांट इस टैक्सा में प्लेस्ड है, क्या करेक्टर, किस वजह से, कोई पर्टिकुलर प्लांट इस पर्टिकुलर क्लास में प्लेस्ड है, कोई पर्टिकुलर प्लांट इस पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस्ड है, कोई पर्टिकुलर प्लांट इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है, क्यों, सिर्फ वही स्टडी करना। पॉइंट समझिए, क्यों जो है पाइजम सटाइबम पी प्लांट को फेबेसी में रखा गया, फेबेसी क्या ऐसा करेक्टर फुलफिलमेंट किया, क्यों जो है ओट के प्लांट को जीनस एविना में रखा गया, सिर्फ एक टैक्सॉन को लेके मोनोग्राफ डील करेगा और कैटलॉग इट डील्स विथ अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया with little description, कैटलॉग का काम है। किसी भी एरिया में जितने भी प्लांट है उनको ए बी सी डी इन सब ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिन प्लांट्स का जीनस का नाम ए से है, बी से है, सी से है, डी से है, पर्टिकुलर एरिया मस्ट है। सो केवल इंडेक्स, कौन से हैबिटेट और कहां कौन से एरिया में प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मैनुअल का यूज हम क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं, मोनोग्राफ एक टैक्सॉन एक कैटेगरी को लेकर बात करेगा और ये थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन प्लस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट। बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए प्लीज। सो दिस ब्रिंग्स अस द एंड ऑफ दिस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। The living world.